अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से आप सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, अच्छे खाने पकाएं और फिर खाते रहें। जी तो मैं आज 100 रुपये के दूध में आपको चीज़ बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने दूध को देगची में रख दिया और उसको नीम भी नहीं बल्कि थोड़ा सा बस हल्का सा उसको गर्म करने के लिए, और अलग से देगची में मैंने पानी रख दिया, उसमें नमक डाल के, ताकि जल्दी से ये वाला मसला भी मेरा हल हो जाए। फिर मैंने जो है वो 4 लीमू का रस निकाल के अपने पास रख लिया था, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता और आराम आराम से एहतियात से उसको डाल रही थी और स्टेयर करती जा रही थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, और उसको बिल्कुल हल्का सा आपने घुमाना है चम्मच को। जी बिल्कुल, जब भी आपकी चीज़ जो है वो अच्छा सा बनेगा, वरना फिर वो इतना अच्छा नहीं होगा, तारदार चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त चीज़ बन रही है, बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा उस पर कलर आया हुआ है, और ये कैसे दूध अलग हो रहा है, पानी अलग हो गया, देख रहे हैं आप ये कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा शेप आया हुआ है। जी तो अब हम इसको हम अलग कर देंगे, पानी को हम निथार लेंगे किसी छलनी से। जी पानी को हमने अलग कर दिया इससे। अब हम इस चीज़ को लेंगे, थोड़ा सा इसको हल्के हल्के स्पून से निचोड़ेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए, क्योंकि जब इसमें पानी होगा तो ये कभी भी सेफ नहीं रख सकते इसको आप, वरना इसका जो शेल्फ लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी। जब भी इसके लिए हमने ये जो अलग से जो ड्रेन किया था हमने चीज़ वाला वाटर जो है, उसको भी हमने फेंकना नहीं है, वो भी किसी काम आने वाला है। वो उसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी। जी उसमें हमने बस थोड़ा सा गर्म करके रखना है उसको। जी बिल्कुल, ये उसमें चीनी डाल के थोड़ा सा पका के थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको रख देंगे किसी, और खीर बनाऊंगी तो उसमें ये डाल के बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मज़े का वो टेस्ट आता है इसमें, क्योंकि लीमू भी है तो लीमू का भी बड़ा अच्छा इसमें टेस्ट होता है। जी ये हमने इसको नमक वाले पानी में डाल दिया। अब हम इसको निचोड़ निचोड़ के थोड़ा घुमा फिरा के, घुमा घुमा के इसको लगा लगा के, एक दो थप्पड़, अब हम इसको ठीक करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल आप देखिए, बहुत ही मज़ेदार से आप चीज़ बनाना सीख रहे हैं मेरे साथ। उम्मीद है अच्छा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैं इसी तरह से रेसिपीज़ बता सकती हूँ, और तो मुझे तरीका नहीं आता, कोई घुमा फिरा के बात करने का तरीका मुझे नहीं आता। देखें जी देखें कितना मज़ेदार बन रहा है, देख रहे हैं ना आप सब, देखिए ज़रूर देखिए। हाँ जी, तो आपको अच्छा लगा, फिर उसको अपने हाथों से निचोड़ना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं छोड़ना। अगर पानी छोड़ दिया तो ये हमारे चीज़ किसी